असम, दिल्ली, राजस्थान, ये सब स्टेट में जो लोग जाएंगे उन लोग को अपना कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। ये कोरोना के टाइम में, ये तो एक और बार कोरोना का टाइम आ चुका है। और जैसे कि आपको पता, लास्ट टाइम हम लोग मार्च या अप्रैल में गए थे और ये अभी अप्रैल चालू है। तो वंस अगेन हम फिर से जा रहे गाँव, और उसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग बाकी है जो हम लोग आज कवर कर लेंगे। क्योंकि मैं पिछले जो दिन में वीडियोज़ नहीं आ रहे थे ना, वो सब इसके पीछे काम कर रहा था। सब काम में चक्कर में मेरा खुद का मैंने दो चीज़ भूल गए। तो आज हम लोग जाने वाले हैं, हाँ आज दादर या कुर्ला जाएंगे। लेकिन फर्स्ट थिंग क्या है कि दो दिन का जो लॉकडाउन था अपने, जैसे सैटरडे संडे, वो ख़त्म हुआ। मंडे अभी जैसे चालू हुआ सुबह के 10 बजे, अब पता भी नहीं 10:45 हो रहे हैं, 10 बजे 10:45, पर पता नहीं अभी चालू रहेगा कि नहीं। मेन प्रॉब्लम हो, अगर जैसे चालू रहेगा तो मिल जाएगा थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब ढूंढना पड़ेगा वहाँ, यहाँ ऐसा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा। तो कैसे आप लोग, वीडियो एंड तक देखना। एक और बात जो मुझे कहनी थी कि जब से मैंने ये मेरी गली के चुड़ैल पे वीडियो बनाया ना, तब से सबके फ़ोन आ रहे, भाई क्या है ये, सच है, सच सच, तो ये सच है। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे, पता नहीं शायद हो चुके कुछ लड़की बिड़की है। एक ने मुझे इंस्टाग्राम पे, मैंने जब मेरी IGTV में वीडियो डाली थी, तब एक मेरी फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था, बोलती अरे कोई आंटी रहेगी, तो तुम्हारे भाई ने उसको रिप्लाई क्या दिया मालूम है क्या? बोला रात में 3 बजे आंटी क्या मूनवॉक करने को आती है क्या गली में? आज इतने दिन के बाद वीडियो आ रही ना, मैं अंदर से खुश हूँ। आज इतने दिन के बाद मैंने मेरा सेटअप उठा के व्लॉगिंग चालू किया, प्राउड ऑफ मी। और आप बहुत दिन के बाद ये वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब करके जाओ। और एक छोटी सी चीज़ है, जो लाल का बटन रहता है ना, उसको ऐसा दबा दिया, नहीं का नहीं दबेगा तो भी ऐसा दबा देने का। लड़का बन ठन के रेडी है अपने कोविड में शॉपिंग करने के लिए। बाय बाय मानिया। निकलते हैं अभी फर्स्ट पहले ऑटो लेते हैं, देन उसके बाद ट्रेन तो है ही है। और हमारी छोटी मेम साहब, मतलब हमारी सिस्टर वहाँ पे मौजूद है। अरे यार रुको, मैसेज दिखा। तो अभी का स्ट्रैप निकल गया था, लगाया उसको भाई। यहाँ पे रिक्शा लेते, पहले रिक्शा लेंगे, चलो। Is a spirit of trouble under moonlit sky. I'm this ticket pehle nikal liya, iske liye koi problem nahi hai. Main aur daddy subah hospital gaye the na, iske liye subah nikal liya. Ticket hai apne paas, sab kuch hai, फटाफट कुर्ला पहुंचो। आज आखिरी बार लोकल में सफर होगा, देन उसके बाद सीधा एक महीने के बाद ही सफर होगा। उसके बाद लोकल नसीब नहीं होगी एक महीना तक, क्योंकि यूपी में तो लोकल चलती ही नहीं है। चलो ट्रेन आ गई। तो पहुंच चुके हैं पर हमारी मेम साहब आई नहीं है। हमारी मालिक, हमारी छोटी, हमसे बड़ी बहन। तब तक अपन चलते नीचे कहीं पे बैठते हैं। ट्रेन तो आ गई है, हम देखते हैं मेम साहब आई है कि नहीं। ये ट्रेन में नहीं है, अभी कॉल किया तो बोलते माटुंगा पहुँची। अरे यार जल्दी आ यार, मेरे को बहुत सामान लेने का, यार मैंने सामान कुछ नहीं लिया। वो तो नहीं आ रही, अपन अकेले कर सकते शॉपिंग। चलो स्टार्ट करते अपनी शॉपिंग। कुर्ला में कुछ खुला तो नहीं है, लेकिन जितना खुला उतने से काम चलाऊंगा।
देखो अभी धीरे धीरे लगना चालू है यहाँ पे। साली इतनी सारी बाइक सुबह थी, अभी कुछ नहीं है। BKC देखो, ये मास मिल रहा है तो थोड़ा बहुत चालू है। आगे ये साइड का मार्केट चालू है कि नहीं वो पता नहीं। अरे वाह, एंट्री है साथ ही म्युनिसिपैलिटी का डब्बा। पता नहीं कुछ चालू है कि नहीं, कुछ नहीं चालू है, कुछ नहीं। एक शूज़ लेना था यार, बस चालू रहे, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। रुक जाते हैं, शर्ट तो मिल गया, मुजड़ भी मिल गई। अभी चल के बताता हूँ कहाँ से मिली है। यार बहुत गंदा है, लोग दुकान फटाफट बंद करा रहे हैं, सब दुकान बंद है। एक एक पीस सब लोग खाली बाहर लेके खड़े। और हमारी मातरमा आ चुकी है, कहाँ गई पे? हाँ पीछे उधर है, थोड़ा बहुत शॉपिंग बाकी है, करके निकलते। और आपसे को मैं बताता हूँ घर पे ये कैसे मिला। सब शॉप बंद है इधर, सब शॉप बंद है। पहले चाचा लोग ऐसा लेके गोनी बैठे, दुकान खुल रही है, ये भाई ऐसा बेच रहे, पूरा सब ऐसे ही चालू है। कुरला यहाँ पे शॉपिंग तो हो चुकी है, लेकिन बहुत कम सामान मिला है। जितना मिला अभी उतने में खुश रहना पड़ेगा। ट्रेन भी आ गई है, जितना मिला अभी उतने में खुश लेके वो बंद करके सीधा चलो घर पे, और कुछ नहीं कर सकते। चलो ट्रेन में घाट को ऊपर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे घर पे। चल चुकी ट्रेन, गौर से देखो इस चेहरे को, पसीनेदार चेहरा। और ये कुछ हुई है शॉपिंग, ये इसमें थोड़ा सा मेरा है, थोड़ा सा नहीं मतलब थोड़ा सा दूसरे का है, इसमें मेरा ही थोड़ा इंक्लूडिंग। और लास्ट टाइम हम लोग जहाँ पे हम लोग जब लास्ट टाइम गाँव गए थे अपना कोविड के टाइम, तो वो टाइम मेरा एक छोटा सा बैग था, जो वो है वही मैं ये ट्रैवल में भी कैरी करूँगा। लेकिन सामान बहुत है। और मेन मुझे ये कहना था आप लोग से, मैं पहले टाइम फ्रेश हो गया तो बात करते हैं। तो मैं ये बात करने वाला था कि कुर्ला में स्टोर खुले पर मिनी यूनिवर्स स्टोर्स खुले, क्या आपको सामान लेना तो अभी ये टाइम तो खुली जाओ, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है सामान लेने के लिए। और कॉस्ट भी बहुत हाई हो चुकी है, जो पहले 200 का था वो सीधा स्लाइड हो गई 400 पे पहुँच चुका है। डिस्पैट आप इसके बाद क्या करना है, आपको ये सब नहीं मिल पाएगा। अगर आप लोग जा रहे हो तो फिर कोई पहचान वाला स्टोर है तो जाओ, नहीं तो सबके बंद कर रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं शूज़ ले रहा था तभी एक दुकान वाले को 1200 रुपया फ़ाइन भी मार दिया, बोलता भाई मैंने 90 सेटर उठाया था। तो इसके लिए आप लोग को तो नहीं मिल पाएगा। और सेकेंड थिंग है, जिन लोग अभी यहाँ से मुंबई से उत्तराखंड जाएंगे, आसाम जाएंगे और वहाँ पे बंगाल जाएंगे, और वहाँ पे बोला था उत्तराखंड बंगाल आसाम दिल्ली राजस्थान, ये सब स्टेट में जिन लोग जाएंगे उन लोग को अपना कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, और वो भी 72 आवर्स पहले का, मतलब पहले 72 आवर्स उनको होना चाहिए वो सर्टिफिकेट के साथ। और मैंने वहाँ पे पता किया तो यूपी जाने के लिए तो बोला नहीं है उन लोग ने कि आपको रिपोर्ट लगेगी, तो भी हम लोग अपने रिक्स में हम लोग अपना रिक्स नहीं लेंगे, हम लोग रिपोर्ट लेके जाएंगे। अगर बिना रिपोर्ट का ट्रैवल किया और एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो गई तो हम लोग से और भी जन को तकलीफ हो जाएगी, तो ये चीज़ हम लोग नहीं करना चाहते। तो हम लोग अपना सबका रिपोर्ट लेके निकलेंगे। और अभी देखो मैं ये वीडियो यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को जाने का पैकेजिंग करने का सामान पड़ा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये सामान पड़ा हुआ है, मेरे को इस वक्त आपको पैक भी करने का है। तो ये शॉर्ट ब्लॉग रखते हैं यहाँ तक, उसके बाद अपन अपना ट्रैवल का ब्लॉग चलूँ मैं, ठीक है भाई? यहाँ तक देख बोलो, सुन लो इसकी भी सुन लो, आज लास्ट बार ही सुनने मिलेगा। बोल भाई तू भी बोल ले। ये अभी मेरे दोस्त के पास जाने वाला है, ये वहाँ पे ही रहेगा थोड़ा देर तक, मैं गाँव में रहूँगा तब तक ये वहाँ पे रहेगा। बस खत्म।